और इससे पहले शुरू करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है तुमसे, तो वो कर लेते हैं और फिर बाकी देख। तो किसी महान पुरुष ने कहा है, टांगे उठा कर करो, सर झुका कर करो, लेट कर करो, आगे पीछे दोनों तरफ से करो, क्योंकि जितना करोगे उतना अच्छा महसूस होगा। बाय गॉड, कितने फायदे हैं रामदेव बाबा जी के योगा के। आपने क्या समझा? टर्की हो तुम सब, मेरे को मालूम है सालो, टांग उठाते भी तुम्हारा दिमाग ठरक में भाग गया था। ठरकी हो तो लाइक मारो। चल इलेक्शन इलेक्शन आ रखा है और मुझे समझ में नहीं आता मेरा कब खड़ा होगा, मतलब मैं कब खड़ा होगा इलेक्शन में। ए ठरकी, मेरा तो डेली खड़ा होता है बे, मैं इलेक्शन में कब खड़ा होगा? ना इलेक्शन में खड़े हो पा रहे हैं, ना बंदी बढ़ रही है, और आजकल की बंदी समझना मुश्किल है, नामुमकिन है बे। मतलब कल तक जो लड़की सबको रिप्लाई पे रिप्लाई दे रही थी नहीं दूंगी नहीं दूंगी, आज वो इलेक्शन में वोट डालने के बाद सबको पब्लिकली बोल रही है आज मैं देके आई। वोट वोट ठरकियो वोट, मतलब इतनी हरामी लड़के, सीरियसली बोल रहा हूँ। कि एक बार एग्जाम में था और एग्जाम शुरू नहीं हुआ था, तो मैंने आगे वाली से पूछा डेट, कहती नहीं। अबे आज की डेट, आज क्या कल परसों तरसों नरसों कभी भी नहीं। दीदी तारीख क्या है ये पूछ रहा हूँ, कब से उसको ढूंढता हूँ। दीदी पता नहीं क्यों आया गाना, बट घटिया जो था, महा घटिया जो था, जिंदगी बर्बाद हो गया मेरा साले कुत्तों की जिंदगी। ए ऋतिक रोशन सुधर जा। ना 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 मैं नहीं बोल रहा चाचा, मैं नहीं बोल रहा, ये नहीं अपनी कंगना वो वाली नहीं बे, हीरोइन कंगना रनआउट उसकी बहन है। कंगना के बारे में कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि वो टैलेंटेड एक्ट्रेस है, बट उसकी जो बहन है ना ही जहरीला माल फूक के बैठी हुई है। मैं मजाक भी नहीं कर रहा, कुछ भी ट्वीट मार रही है यार। ओके जस्ट इन केस तुम उन लोगों में से जिनको कुछ भी नहीं पता, लेट मी एक्सप्लेन। तो कंगना रनौत की एक मूवी आ रही थी, ए मेंटल है क्या? सो पहले वो मूवी 21 जून 2019 को आने वाली थी, बट अभी सडनली एकता कपूर जो उस मूवी की प्रोड्यूसर है उसने डेट पुश कर दी 26 जुलाई 2019 तक। 26 जुलाई का मतलब क्या होता है? अपने ऋतिक दादू। एक और बात, फोन भी ना पीगी। अभी 26 जुलाई 2019 को उसकी मूवी भी आ रही है सुपर 30, और ये लोग बोलते हैं हम लोग नेपोटिज्म नहीं करते। सुपर 30 एक गरीब आदमी की कहानी है, लिया किसको? ऋतिक रोशन, जिसने पूरी जिंदगी अपने रईसी में निकाल लिया। बट ठीक है, एक्टर एक्टर वाली बात है, छोड़ो। सो वो सीन हुआ और फिर भड़क गए, मतलब कंगना ने कुछ नहीं बोला, रंगोली भड़क गई। मैं बता रहा हूँ 90% श्योर हूँ, 90 क्या बोलो, 100% श्योर हूँ ये कर रही थी वो। ये कर रही थी, फिर उसे न्यूज़ पता चली, चेंज कर दी, वेयर इज माय ट्विटर मदरफकर्स। कहा मनाली, मनाली से लाया, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ला ला ट्विटर ला। क्योंकि एक बंदा ना होश में, मतलब कितने 35 साल की वो लड़की औरत जो भी है वो, हरकतों से तो नहीं लग रही इंसान है, 35 साल की मैच्योर वुमन ऐसी बातें पब्लिकली किसी भी आर्टिस्ट के लिए कर सकती है। मैं तुम्हें ट्वीट पढ़ के दिखाता हूँ, ऐसे बंदों से और क्या उम्मीद कर सकते हैं जो पीछे से वार करते, पीछे से, सामने से लड़ने की वसी की नहीं है। जितना तू और तेरा पिया कंगना को गिराएगा उतना वो तेरी मारेगी। अभी तक उसका मतलब नहीं था, बट अब तू देख जादू। और इस ट्वीट पे मुझे गुस्सा नहीं आया क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया कंगना ऋतिक कैसे मारेगी? आर्टिफिशियल डिल्डो बेल्ट लगा के ऋतिक झुक जाओ, सब इमेजिन कर रहे थे, पाप लगे तुम्हें, बहुत हार्ड क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें लगता है मनाली वाला माल फूका है वो रुकेगी इसके बाद सेकंड ट्वीट आया उसका, तू अपने चिल्लर पीआर से ट्वीट करवाता है रे, वो एक इंटरव्यू देगी तेरे चारों खाने चित। आई गॉड, आई मीन सीरियसली ब्रो। नहीं नहीं, अभी झाड़ूंगा नहीं, अभी नेक्स्ट ट्वीट में झाड़ूंगा। बालाजी क्या कंगना रनौत का प्रोडक्शन हाउस है जो जब चाहे फिल्म रिलीज करे, लेकिन पप्पू तो पप्पू होता है, कॉमन सेंस है ही नहीं, अब तू देख बेटा तेरा क्या हाल होगा। दिखाओ क्या कर लोगे तुम, दिखाओ। मैं भी देख रहा हूँ, पब्लिक भी देख रही है, मैं खुद वीडियो बनाऊंगा, दिखाओ तुमने जिंदगी में क्या उखाड़ा है, मुझे बस इतना बैठ के बता दे यार, मैं सुनना चाहता हूँ। तुमने नोटिस किया होगा तुम्हारे स्कूल टाइम में होता था, एक लड़की होती थी स्कूल में, एक लड़की होती थी जो अपने भाई की गुंडागर्दी पे कूदती थी। इसका अलग ही सीन है, मैं बहन की गुंडागर्दी पे कूदूंगी? क्या गुंडी है तुम्हारी बहन, क्या कर लेगी बहन तुम्हारी, एक पिक्चर है, तुम कौन हो? मैं बता रहा हूँ ऋतिक सही करता है इसको इग्नोर मार के, मैं तो कहता हूँ पब्लिक में इग्नोर मारो साले को,
और अगर तुझे करना होता ना सेटल चीजें तू ऑफलाइन करती, ऑनलाइन आके माँ बहन एक नहीं करवा रही होती सबके सामने। ज्यादा हो गया तू देख क्या होता, दिखाओ। अरे दिखाओ ना, देखे बरसा हो गया फोन में, दिखाओ ना, हम भी परेशान हो गए, ये भी परेशान हो गए, दिखा तो। औरत देखो, अगर तुम्हें लग रहा है मैं जरूर से ज्यादा बोल रहा हूँ ना, वो इसलिए क्योंकि ये किसी के बारे में कुछ भी कह सकती है ना, तो क्या पता मेरे बारे में कहते हैं, मेरे को ज्यादा अटेंशन मिलेगी। निंदा टेक्निक ऑलवेज। समझ नहीं आया तो समझ में आएगा। और ना सीरियस नोट, मैं अपनी जिंदगी में ना कभी एक ऐसी लड़की या लड़के से बात ना करूं, मैं अटेंशन तक ना दूं जिसकी लैंग्वेज ऐसी है। मैं बहुत दूर उस बंदे से, क्योंकि ये बंदे ना कभी शांति तुम्हारी जिंदगी में रहने नहीं देंगे, क्योंकि इनका पॉइंट होता है हमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी, हमें प्रॉब्लम को बवाल मचाना है। ये चैन की जिंदगी जी नहीं सकते भाई। अगर तुझे पूरा भरोसा है कि एकता कपूर डेट पुश नहीं कर सकती, तेरी बहन कर सकती है, तू बहन से बात करना। पब्लिक में क्या हक रही है, संडास नहीं घर पे कुछ भी बेचारा। मेरे को एक्चुअली लग रहा है मैं जरूर से ज्यादा बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसी लैंग्वेज, आई मीन सीरियसली, तुम 35 इयर्स के हो, मैं 27 का हूं, और ये मैं मेरा काम है, ये चीज मेरा काम है, इसलिए मुझे करना पड़ता है, बट रियल लाइफ में मैं कभी ऐसी बात किसी के सामने नहीं कर सकता। तेरे चारों खाने चित। क्या कुमोली का की फैन हो तुम? और खाने चित लिखो चुप है। बट अगेन ये मेरे ओपिनियन है कि औरत पागल हो चुकी है। और अगर तुझे लगता तुम इतने सुप्रीम पावर हो उस मूवी को साथ, या उस मूवी को लेके जहाँ पे तुम प्रोड्यूसर ने जो इतना दिमाग बिजनेस इनसाइड लगा के जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमने सारी चीजें देखने के बाद ये डिसीजन लिया हुआ है, क्योंकि प्रोड्यूसर का पैसा लगता है, एक तरह का पैसा लगा है उस पे, वो ये डिसीजन ले रहा है कि हाँ हम सुपर 30 के साथ क्लैश करने को तैयार हैं, अच्छी डील होगी। और मेरे को भी लगता बहुत सही डील है, क्योंकि सुपर 30 एक सीरियस मूवी है, ये कॉमेडी मूवी है, मैं कॉमेडी प्रेफर करूंगा क्योंकि वो मेरी चॉइस है। तुम क्यों हलवा तल रहे हो बे? मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर तुझे लगता है तेरा कंट्रोल है उस मूवी पे और तू इस डेट चेंज को वापस रिवर्ट कर सकती है, कर देती ना, पब्लिक में क्यों आगा? बस मैं लॉजिक दे रहा हूँ, अटेंशन दी नहीं होती फालतू की, मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे ट्विटर पे, कर करके छोड़ा हुआ बे। तुम अभी कर रही हो टेंशन ग्रैबर, हम बचपन से हैं, साल लगे बदलने में तब जाके तो जेन्युइन बने हैं, ये अभी भी चल रही है इनकी। पड़ा ये मेरे ओपिनियन, फील फ्री टू लेट नो, तुम क्या सोचते हो, क्या तुम चंडेल के साथ? नाम में चंडेल है यार, मैं बिल्कुल जाना चाहूंगा तुम किसके साथ, मतलब तुम मेरे साथ एग्री करते हो कि हाँ ये बकवास गिरी थी, अगर तुम्हें लगता है तुम ज्यादा काबिल हो और तुम ये सारी चीजें जो हो रही थी वो किसी और की वजह से हो रही थी, तुम्हारा मूवी पे कंट्रोल है तो तुम आराम से बैकग्राउंड में कर सकते थे, और वो करा रहा जवाब होता उस बंदे के लिए जिसको तुम अक्यूज कर रहे हो बिना किसी प्रूफ के, और तुम ये सब सिर्फ अटेंशन गेन करने के लिए करती हो, क्योंकि तुमने लिटरली जिंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं, बहन के नाम पे गुंडागर्दी कर रही हो यहाँ पे, या तुम मेरे साथ डिसएग्री करते हो और चंडेल जी के साथ एग्री करते हो। फील फ्री टू लेट मी नो मैन, इट्स एन ओपन कंट्री, वी ऑल हैव राइट्स टू हैव आवर ओन ओपिनियन। तो उन्होंने अपना ओपिनियन दिया था, हम अपना दे गए, अब साइड बांटते हैं कौन किसकी साइड है जी बोल। प्लस रितिक मेरा चाइल्डहुड क्रश है, मैं जहां गलत होगा मैं गलत बोलूंगा, बट जहां पे भाई बंदा कुछ कर भी नहीं रहा, पता भी नहीं है कि नहीं, तू प्रूफ तो दे दे कि हाँ इसने इसको कॉल किया, कॉल रिकॉर्डिंग सुना दे, कुछ तो दे, फालतू में नहीं सुनूंगा, तुम बता दो। क्योंकि एंजॉय किया, और अगर एंजॉय किया स्मैक द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, और आज का नोटिफिकेशन शॉट हो जाए तन मोए को, अगर तुम भी चाहते हो तुम्हारा नाम इन वीडियो में, शेयर दिस वीडियो, टैग मी इन दैट पोस्ट, क्या बता अगली वीडियो तुम्हारा नाम भी आ जाए, जस्ट इन केस तुम उन कमेंट ना लोगे मसे हो जो शेयर नहीं करने वाला है, कर दे यार, गोल्ड चाहिए था यार, वो मेरा इंस्पिरेशन है, शेयर करो मैन, शेयर नहीं करते तो इंस्टाग्राम पे फॉलो ही कर लो यार, नंबर देख के अच्छे लगते हैं मुझे, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस ब्रांड्स डील होंगे, पता है मैं ज्यादा इंस्टा पे फॉलो करने के लिए क्यों बोलता हूँ, मेरा अगली चेहरा और लोगों को ना फोटो खींच के डालने के लिए पैसे मिलते हैं ब्रांड से। मैं देखना चाहता हूँ पहला कौन सा ब्रांड मुझे बोलता है ये हमारे प्रोडक्ट के साथ फोटो खींच के डालो, शक्ल देख मेरी चलेगा ही नहीं प्रोडक्ट, बहुत हार्ड क्या, छाती से बहते पसीनों के खत्म, शेयर कर देना या फॉलो कर देना, वरना माता रानी पाप देंगी, क्योंकि अभी गणिता को अभी आपसे अगली मुलाकात होगी कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस आउट। और इससे पहले आज का एपिसोड खत्म करें ना, तुम्हारे लिए सवाल है, अगर तुम्हें जिंदगी में कोई एक चीज मांगने को मिले तो क्या मांगोगे? मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, सारे ठरकी हो तुम, और कमेंट में क्या आने वाला है, नहीं पता तो मुझे भी है, पता तुम्हें भी है, बट साले पापी दिल से सवाल है, दिल से आंसर करना, फालतू गिरी नहीं। अर्ज किया है
बाद में कमरे से भागोगी कैसे? बाद में कमरे से भागोगी कैसे? जब गांड में लंड होगा तो पालोगी कैसे? साहब है भाई का बता रहा हूँ, सारे रियल शायर ना ये बातें सुनते होंगे भड़क जाते होंगे। इसका माँ का पकौड़ा घुस के मार भी नहीं सकते साले की। वो शायर को ठरकी होगा, मैं नहीं बोला वो शायर के मन की बात बोली मैंने तुम्हें, पाप लगे तुम्हें। कुछ लड़कियां तो ऐसी होती है जो इंस्टाग्राम पे स्टेटस मारती है, माय डैड इज माय रियल हीरो। अगर तेरा बाप रियल हीरो है तो हमारा बाप कौन सा वांटेड का गनी भाई था? कुछ भी नहीं। अब मैं बताना चाहता हूँ लड़कियों को जो भाव खाती है और बात नहीं करती। सुन, बात नहीं करोगी तो शादी कैसे होगी? दिल के अरमान निकल गए मेरे, जिंदगी बर्बाद हो गया मेरा। माना मेरे में कमियां है, माना मैं परफेक्ट नहीं, बट किसी महान पुरुष ने कहा था, बे करते हैं मेरी कमियों को बयान ऐसे, और फरमाइएगा करते हैं मेरी कमियों को बयान ऐसे, लोग अपने किरदार में फरिश्ते हो जैसे। कमियां सब में होती है, बट सुना नहीं तुमने दो कमी वाले लोग परफेक्ट कपल बनाते हैं? आई नो मुझे भी वही लग रहा है। मैं इन बातों के थ्रू अपनी क्रश को मैसेज मार रहा हूँ। मुझे तो पता भी नहीं वो देखती कि नहीं देखती यार, जिंदगी बर्बाद हो गया मेरा। साला हमने एग्जाम में चीटिंग नहीं करी कभी यार, रिलेशनशिप में घंटा करेंगे, अभी वो नहीं मिले ना तो जिंदगी में बस इतना फेमस होना है, कोई सेलिब्रिटी दूसरा सेलिब्रिटी सामने से मैसेज करे ना और मैं रिप्लाई बैक करूँ तो उसका होना चाहिए। ना लेके आऊंगा दिन, देखो ना बुलेट डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, सब कर दूंगा। आई नो पूछ लोगे क्यों, तो कुछ ऐसा समझो वो आसमां का चांद है और मैं एक छोटा सा तारा, वो आसमां के लिए खास है और उसके बिन मैं बेसहारा। मैं शायर तो नहीं, एक्टर है तुम्हारा भाई। आई नो लोग यकीन नहीं करते बट एक्टर एक नंबर है तेरा भाई, सारे जोक देखे हुए यहाँ पे। देख रहे सारे लिखे पड़े सा घुमा दिया था बट यहाँ पे गंदे की बहुत ज्यादा दिखा नहीं सकता, पाव लगे तुम्हें। वीडियो खत्म, लाइक तो कर दो, करना है हो तो सब्सक्राइब भी तो कर लो। वीडियो खत्म, लाइक तो कर दो, करना है हो तो सब्सक्राइब। आज का ज्ञान, जिंदगी में तुम्हें चुनौती चूतिया और चोदू मिलते रहेंगे, तुम्हें बस हट मादरचोद बोल के निकल जाना है, लड़ना नहीं है।